वेलकम टू अल हिदाया पब्लिक स्कूल यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस चैनल। आज भी हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में आप बच्चों को एक्सप्रेशंस बताने वाले हैं, और इसमें हमने दो सेक्शंस करे हैं। पहला सेक्शन है जो हमारे जो जूनियर बच्चे होते हैं उनके लिए, और जूनियर बच्चों में फर्स्ट से लेकर के थर्ड तक ये बच्चे एक्सप्रेशंस याद कर सकते हैं। सबसे पहला एक्सप्रेशन है हाउ यू मैडम। अब आप जब क्लास में हैं और आप मैडम या सर से उनका हाल पूछते हैं, और ये उनसे पूछना भी चाहिए जब आप क्लास में होते हैं, मैडम आती हैं तो गुड मॉर्निंग मैडम, हाउ यू मैडम, ये कुछ ऐसे कॉमन एक्सप्रेशंस है जो हम बच्चों को याद कर लेने चाहिए, और जब भी ज़रूरत पड़े तो हमें अपने मैडम से और हमें सर से पूछना चाहिए। तो आप गुड मॉर्निंग के साथ आप हाउ यू मैडम को यूज़ कर सकते हैं। फिर से सुनिए, जब आप क्लासरूम में होते हैं, मैडम आपके पास क्लास में आती हैं, आपको कुछ नया लेक्चर देती हैं, या जब आप स्कूल में ही आते हैं एंड आप अपने टीचर्स को देखते हैं, वो टीचर्स जो आपका बहुत नोन होता है, उनका मतलब जो आपके क्लास में आपको पढ़ाने के लिए आता है, और वो अगर गुजर रहा है तो आप उसको फ़ौरन गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर बोल करके, और फिर आप ये बात कर सकते हैं हाउ यू मैडम। तो जब आप मैडम से पूछेंगे हाउ यू मैडम, तो मैडम इसका जवाब भी ज़रूर देंगे, हाँ आई एम गुड एंड व्हाट अबाउट यू, कि मैं अच्छी हूँ और तुम कैसे हो बेटा। तो तुम भी ये जवाब दोगे मैडम आई एम ऑल्सो गुड, मैं भी अच्छा हूँ। ये अब दूसरा एक्सप्रेशन आता है प्लीज़ हेल्प मी। तो आप किसी से भी कह सकते हैं, आप मैडम से, आप सर से, आप अपने एल्डर ब्रदर से, एल्डर सिस्टर से, किसी से भी कह सकते हैं। और ये क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें उनकी मदद चाहिए होती है। जब कोई काम मुश्किल है आपके लिए, और वो अगर काम मुश्किल है तो आप उसका क्या नाम है उनसे मदद चाह रहे हैं, और मदद चाहने के लिए आप जो है वो प्लीज़ हेल्प मी का यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ हेल्प मी आप यूज़ करेंगे मदद के फॉर्म में, मदद के लिए, और वो मदद कैसी भी हो सकती है। नेक्स्ट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड का मतलब समझने की कोशिश करो, कभी भी किसी से भी आप ये कह सकते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके बाद अगला एक्सप्रेशन है आई एम ओके। जब आप किसी से कह रहे हैं, आप मैडम से कह रहे हैं मैडम हाउ यू, तो मैडम बोलती हैं आई एम ओके या आई एम गुड, तो आप भी कहीं पर भी किसी से भी अगर आप इस तरह की बातचीत कर रहे हैं और वो पूछते हैं हाउ यू बेटा, तो आप बोल सकते हैं सर आई एम गुड, ठीक है, तो आई एम गुड, या अंकल आई एम गुड, तो इस तरह से आई एम गुड या आई एम ओके बोला जा सकता है। नेक्स्ट इज मे आई गो आउटसाइड। मे आई गो आउटसाइड का मतलब होता है कि जब आपको बाहर जाना होता है, पर्पज़ पानी के लिए नहीं है, पर्पज़ और दूसरी कोई वजह नहीं है, आपको बाहर जाना है और कोई भी काम हो सकता है, क्लास से आपको बाहर जाना है, तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं मे आई गो आउटसाइड मैडम, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा मे आई गो आउटसाइड मैडम। नेक्स्ट इज आई लाइक दिस मैडम। आई लाइक दिस मैडम का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे किसी काम को मैडम ने करने के लिए दिया, तो मैडम ने आपसे पूछा हाउ डू यू लाइक दिस, सो तुम्हें कैसा लगा, तो आप बोल सकते हैं मैडम आई लाइक दिस, मुझे ये अच्छा लगा। कोई काम है जिसको आपको करना बहुत अच्छा लगता है, आपको जैसे लिखना बहुत अच्छा लगता है, आपको बोलना बहुत अच्छा लगता है, तो वहाँ पर आप इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं आई लाइक दिस मैडम। उसके बाद नेक्स्ट है मैडम आई एम डूइंग दिस। मैडम आई एम डूइंग दिस का मतलब ये हुआ कि हाँ मैडम मैं इसको कर रहा हूँ। अब यहाँ मैडम का मतलब मैं इस वजह से इसमें मैडम और सर को यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि कहाँ कैसे इसको यूज़ करना है। सो किसी काम के लिए आपसे पूछा जा रहा है आर यू डूइंग दिस, तो आप बोल सकते हैं यस आई एम डूइंग दिस, क्या आप इस काम को कर रहे हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं हाँ मैं इस काम को कर रहा हूँ। वो मैडम भी हो सकती हैं और सर भी हो सकते हैं। मैडम वेट फॉर अ वाइट, ये कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है वाइट बोर्ड पे मैडम ने कुछ लिख दिया हो, और लिखने के बाद उनको ये लगा कि शायद सारे बच्चों ने लिख लिया है, और वो इमिडिएटली उसको रब करना चाहती हैं, उसको मिटारना चाहती हैं, उसको हटाना चाहती हैं, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं वेट फॉर अ वाइल मैडम, या मैडम वेट फॉर अ वाइल, या सर वेट फॉर अ वाइल, बस थोड़ी देर, तो आप बोलते हैं ना हिंदी में थोड़ी देर, तो थोड़ी देर के लिए आप यूज़ करते हैं मैडम वेट फॉर अ वाइल। नेक्स्ट इज मैडम आई फॉरगॉट। आपसे कोई काम वो कहा गया था और वो आपने काम नहीं करा, तो आप वहाँ पर सॉरी बोलते हुए मैडम आई एम सो सॉरी दैट आई फॉरगॉट। फिर से देखिए मैडम आई एम सो सॉरी दैट आई फॉरगॉट। फिर से देखिए कि अगर आपको कोई काम दिया गया और वो काम आपने नहीं किया, आप भूल गए, तो आप वहाँ पर सॉरी बोलेंगे कि मैडम आई एम सॉरी आई फॉरगॉट।
एंड नेक्स्ट सेज आई शैल डू इट टुमारो, और फिर ये वायदा करते हुए कि मैडम यस सर मैं इसको कल कर लूँगा, वहाँ पर हम बोलेंगे आई शैल डू इट टुमारो। तो आज के लिए यही, हमारे जो बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके थर्ड, इवन मैं तो ये कहूँगा कि फोर्थ स्टैंडर्ड तक के बच्चे उसको याद कर सकते हैं, इन एक्सप्रेशंस को वो यूज़ कर सकते हैं। और अभी इसके थोड़ी देर बाद मैं अपने सीनियर बच्चों के लिए, जो हमारे बच्चे जो हमारे फोर्थ से और नाइन्थ तक हैं, उनके लिए भी कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट भी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं एट द सेम टाइम। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।